साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा चुनाव पर बहुत सारे विश्लेषण मैंने देखे, बहुत सारे विश्लेषण, लेकिन यकीन मानिए एक विश्लेषण बचा हुआ है, कहीं नहीं देखा। हरियाणा चुनाव का इतना गहरा असर पड़ा है दोस्तों कांग्रेस पार्टी पर कि वो सदमे से उबर नहीं पाई है। गांधी परिवार सन्न है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा हरियाणा में क्या हो गया। वहां तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन सब कुछ पलट गया। आखिर हो कैसे गया? आपने भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे दोस्तों मेनस्ट्रीम मीडिया में भी, लेकिन हरियाणा में इतना बड़ा काम जो हुआ है, एक विश्लेषण और सबसे बड़ा विश्लेषण प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर के है। ये तस्वीर, ये वीडियो जो मैं आपको अभी कहानी में भी दिखाऊंगा दोस्तों, वो जानना जरूरी है। इस एंगल से किसी ने बताया ही नहीं, और आपने थंबनेल भी देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने मान ली बड़ी गलती। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पचेगा नहीं, मुझको गालियां भी पड़ेंगी, लेकिन सच मानिए दोस्तों, एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके बाद आपको लगेगा कि आखिर हरियाणा के लोगों ने इतना बड़ा झोली भर करके रिटर्न गिफ्ट क्यों दे दिया। तो इसकी वजह सिर्फ एक है दोस्तों, और मैं आपको जो बता रहा हूं मैंने कहीं नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी गलती मान ली, स्वीकार करते हैं, हिम्मत होनी चाहिए। कांग्रेस हार गई, स्वीकार नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री मोदी जीत रहे थे तब भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे थे, सुनकर आश्चर्य होगा दोस्तों। और आज मैं यही डिकोड करने वाला हूं, यही दिखाने वाला हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, फिर मैं उन गलतियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच क्या है, वो कैसे किसी घटना को देखते हैं, समझते हैं, उनका परसेप्शन क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। और यह बयान आपको मैं सुना रहा हूं 13 मई 2019 का, लेकिन यही बयान दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में भी दिया था। नियत, मंशा, निष्ठा, काम करने के इरादे, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बयान सुना रहा हूं, आप सुनिए। निष्ठा, मेरी नियत और मेरी नीति का आकलन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे इरादों में कोई खोट नहीं निकाल सकता, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। देखा आपने दोस्तों, आप कुछ समझ पाए? प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं भैया आपकी काम में, आपकी नीतियों में कमी हो सकती है, गलती हो सकती है। कमी तो क्या, हर आदमी मेहनत करता है, प्रधानमंत्री मोदी तो और मेहनत करते हैं, तो उनकी नीतियां गलत हो सकती हैं, काम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी नियत में खोट नहीं हो सकता। और ये बात अक्सर कहते हैं सभी को, ब्यूरोक्रेसी को, अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, कि आप काम कीजिए, अरे गलत होगा तो मेरे पे डाल देना, लेकिन नियत खराब नहीं होनी चाहिए भैया, नियत अच्छी होनी चाहिए। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको कुछ गलतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं, और कैसे प्रधानमंत्री मोदी उसको करेक्ट करते चले गए। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े चेहरे हैं मोदी, याद रखिए। मैं कुछ पॉइंट के जरिए आपके सामने बात रखता हूं। पहला पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, भारी नाराजगी थी लोगों की, और ये वही नाराजगी थी दोस्तों, बल्कि उससे बड़ी कहिए, जैसा झारखंड में रघुवर दास से थी। लेकिन मनोहर लाल खट्टर काम भी कर रहे थे, क्योंकि एक तो टर्म उन्होंने जीता, ईमानदारी में तो खैर कोई बोल ही नहीं सकता कहीं, बेदाग छवि, 9.5 साल मुख्यमंत्री, एक घोटाले का आरोप नहीं,
लेकिन लोग नाराज थे। अब किस लिए होंगे, क्या होंगे, ये अभी आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची, याद रखिए। और इसीलिए उस दौर को याद कीजिए, कुछ महीने पहले की तो बात है, पता चला कितनी तारीफ की थी, याद है, और एक दिन बाद ही खट्टर साहब की छुट्टी हो गई। इसका मतलब है प्रधानमंत्री मोदी को एहसास था कि हरियाणा के लोग नाराज हैं आपके मुख्यमंत्री से। उन्होंने जरा सी देरी नहीं की दोस्तों, कांग्रेस तो अपना एक विधायक नहीं बदल पाया, पता था कि नाराजगी है। मोदी जी ने खट्टर को ही हटा दिया मुख्यमंत्री से, मान लिया, सिर झुकाया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं कि खट्टर का अपमान होने दिया। याद रखिए, उनको दोबारा लोकसभा चुनाव में लड़ा दिया। भैया, जो विधानसभा में लोग नाराज है तो लोकसभा में कैसे जीत जाएगा? लेकिन लोगों की नाराजगी कुछ और हो सकती है, ये थोड़ी था कि ये बेईमान है, भाई ये भी ईमानदार है, काम करना चाहते हैं। आपकी उम्मीदों के अनुरूप कहीं कमी रह गई होगी। उन्होंने पूरा सम्मान दिया और केंद्रीय मंत्री बनाए कि हरियाणा की विकास यात्रा से वो अलग ना हो जाए, उनको जोड़े रखना है, काम करो भैया। लेकिन आपकी नाराजगी थी तो मैंने उन्हें हटा दिया। और इतना ही नहीं, आपने ध्यान दिया, विधानसभा चुनाव में खट्टर साहब को कोई सक्रिय भूमिका नहीं दी गई, पोस्टरों से भी गायब थे, ताकि हरियाणा के लोगों को एक नएपन का एहसास हो सके। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लोगों को बताती रही, हल्ला नहीं कर रही थी, शोर शराबा नहीं कर रही थी, लेकिन एक इंप्रेशन दे रही थी कि आप जो चाहते हैं वही होगा। आपने कहा हटा दो नाराजगी, हटा दिया हमने, एकदम नया चेहरा, फ्रेश चेहरा, कोई दाग नहीं, बेदाग व्यक्ति। और आप देखिए, हरियाणा के इतिहास में हैट्रिक, कल्पना से परे। मैं तो कई सारे, मतलब उधर के जो पत्रकार हैं जो उछल कूद करते रहते हैं, पता है क्या बोल रहे थे, अरे हरियाणा तो बड़ा वोकल रहता है, ये तो चुपचाप रहने वाले वोटर काम कर गए। यही वो वोटर है जिसने कुछ कहा ही नहीं, अंदर ही अंदर काम कर गए। लो भैया, तुम्हारी हैसियत ये है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी गलती स्वीकार की, उसको करेक्ट किया, उसको ठीक किया, नतीजा आपके सामने है। दूसरी गलती बताता हूं, पहलवान वाले मामले में। अब ये तो मैं कहूंगा नहीं कि उन्होंने गलती मान ली, अरे गलती और सही तो कोई मोदी जी या कोई नेता तो तय नहीं करेगा, वो तो कानूनी प्रक्रिया है, कोई तय कर ही नहीं सकता। लेकिन हां, आपके मन में सवाल है, पहलवानों ने सवाल उठाया, महिला पहलवान, उन्होंने दरकिनार नहीं किया, वो तो जो अच्छा अच्छा कर सकते थे वो सब किया, रेसलर्स की बात सुनी, अरे किसी ने गाली नहीं दी भैया, किसी ने कोसा नहीं। आप प्रधानमंत्री मोदी के स्तर पे, केंद्रीय मंत्रियों के स्तर पे, हरियाणा में बड़े बड़े मंत्रियों के स्तर पे निकालिए, किसी ने एक शब्द भी गलत नहीं कहा, बल्कि पता था कि इनकी मांगे नाजायज है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक सीमा के बाद इनको भेज दिया जाइए, मेडल फेंक रहे थे, लेकिन फिर भी इनको मौका देने की भरपूर कोशिश की गई, आपको पता है। और यही नहीं दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ की जब नई कार्यकारिणी बनी तब भी इनके मन में फिर सवाल, फिर संदेह, बोला भंग कर दो यार, कोई बात नहीं, कि ब्रजभूषण का ही वो हो गया, चलो भंग कर दिया, कोई बात नहीं। इनको महसूस होना चाहिए, हरियाणा की इन पहलवानों को, कि सरकार आपकी सुनती है, आपके लिए काम करती है, भले ये ना मान रहे हो, भले इनके मन में कोई साजिश हो, लेकिन हरियाणा की जनता देख रही थी। और इतना ही नहीं, ओलंपिक में दोस्तों आपको भी पता है, मैंने दिखाया कि बाकी बच्चियां छूट गईं, एक बच्ची, लेकिन कम में भी इनके वजन का वो था नहीं, इनको भेजा गया। विनेश फोगाट ने लड़ाई लड़ी, जब मेडल छीना जा रहा था एक तरीके से वजन की वजह से, तो भारत ने बकायदा पूरी तैयारी के साथ बड़े बड़े लोगों को लगा करके, विद्वानों को लगा करके,
वकीलों को लगा करके कोशिश की कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन रद्द हो, इनको कम से कम सिल्वर मेडल तो मिले, नहीं मिला। लेकिन सरकार ने कोशिश की और ये बात तो खुद ये लोग मानते हैं। उसके बाद जब लौटी विनेश फोगाट तो क्या हुआ? क्या हरियाणा सरकार ने दरकिनार कर दिया? नहीं, उसको वही सम्मान दिया दोस्तों जो एक सिल्वर मेडल विजेता को मिलता है। कोई शान में कमी नहीं आने दी। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, एक पक्ष लगातार सरकार को कुचलने की कोशिश कर रहा और सरकार उसको सहारा दे रही है, पकड़ रही है, उसको उठा रही है। क्या हरियाणा की जनता नहीं देख रही थी? आप खुद सोचिए। उसके बाद भी क्या हुआ? विनेश फोगाट ने इसका मान नहीं रखा दोस्तों, ये सच है। मैं तो उल्टा मानता हूं कि विनेश फोगाट के शामिल किए जाने की वजह से कांग्रेस की बुरी गत हुई है, मैं बोलता हूं। लेकिन सरकार ने उसके सम्मान में जरा सा भी कमी नहीं की। मैंने तो इनका बयान सुना है, नायब सिंह सैनी से पूछा गया, उन्होंने साफ कहा कि हम इनका सिल्वर मेडलिस्ट की तरह सम्मान करेंगे। और तो और, जब विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, उल्टे सीधे आरोप लगाने लगे, उठपटांग बातें करने लगी कि प्रियंका वाड्रा की वजह से वो यहां तक पहुंची है, सरकार को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। तो मैंने देखा आज तक में बातचीत करते हुए नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं कोर्ट में बोल रहा हूं, कोर्ट अनकोर्ट में, हमने विनेश का सम्मान किया है, वो हमारी बेटी और शान है। हालांकि कांग्रेस राजनीति कर रही है और दोनों विनेश और बजरंग पुनिया कांग्रेस की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पहलवानों के मामले में भी सरकार ने पूरी सुनवाई की, समय रहते उसको करेक्ट करते चले गए। जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत हो सकता था उसको उन्होंने तवज्जो दी, उन लोगों ने नहीं दिया, हरियाणा की जनता ने दिखा दिया। आगे बढ़िए, किसान मामले, किसान के मामले में मोदी सरकार की संजीदगी अद्भुत है, आदर्श है दोस्तों। अगर दुनिया में कोई आदर्श हो सकता है तो इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। इतना बेहतरीन कानून, सरकार पूरी बहुमत में, संकल्प शक्ति में कोई कमी नहीं। एक ऐसी सरकार जो आर्टिकल 370 खत्म कर देती है, उस सरकार को आप डराएंगे? लेकिन देखा कि भले ही मुट्ठी भर किसान हो, वो आश्वस्त नहीं हो रहे हैं। उन्होंने पहले समझाया, बताया कि विपक्ष आपको भ्रमित कर रहा है, डरा रहा है, लेकिन मोदी जी ने देखा ना, कुछ तो अब भी एकदम तने हुए। और ये तो वैसे भी लाठी डंडे और ये सब तो करते नहीं, क्या किया आखिर में? हाथ जोड़ करके वापस ले लिया तीनों कृषि कानूनों को। आप सोचिए, कहा उन्होंने कि हमारी नीयत साफ थी, हम समझा नहीं पाए, हमारी तपस्या में कमी रह गई और फिर हम वापस ले रहे हैं। लेकिन ये तो अब पूरी दुनिया जानती है दोस्तों, देश के तो हर किसान जानने लगे, यही तो वो इलाका है, यही तो वो भूमि है। फिर अड़ गए, फिर लोकसभा चुनाव के पहले माहौल बनाने लगे, आपको भी पता है। और इस बार सरकार ने सख्त एक्शन लेने में कोई कमी नहीं की, कोई कमी नहीं दोस्तों। आपको सरकार के विल पावर को समझिए, सरकार ने दिखाया कि हम झुकेंगे लेकिन गलत तरीके से नहीं। सारे ट्विटर अकाउंट पर रोक लगाए, और इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले शंभू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से सख्ती की आंसू गैस के गोले दागे, ये भी पूरी दुनिया को देखना चाहिए। किसान आंदोलन के मुद्दों पर दोस्तों सरकार ने, मोदी जी ने कोई कमी नहीं की। आपको हर सुविधा देंगे लेकिन कानून से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। हरियाणा के लोग देख रहे थे और हरियाणा के लोगों ने तय किया कि अगर ये सरकार चली गई, इससे तो लड़ भी लेते हैं, ये सरकार तो सुन भी लेती है, वो सरकार तो कुछ नहीं सुनेगी। पंजाब के किसानों की हालत देखिए, राज्य सरकार से कह नहीं पाते,
ये सरकार तो पुचकारती भी है, देती भी है, सुनती भी है, बात भी करती है और कानून व्यवस्था पर काम भी करती है। किसान आंदोलन में मोदी सरकार की प्रचंड जीत है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी प्रचार, ये शोर शराबा, ऐसा महसूस होने लगा था कि यार ये कोई डायनासोर बन गया है। भाजपा को ये महसूस हुआ, प्रधानमंत्री मोदी को महसूस हुआ और इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजें बंद कर दी, माइक्रो मैनेजमेंट पर लग गए। पता था कि ये शोर कांग्रेस का है, हवा उधर ही बह रही है। इन्होंने कहा भैया शांति से काम करो, हो सकता है ये हमारी गलती है। ओवर स्मार्टनेस भी बड़ा खतरनाक होता, आपको पता है ना, यही ले डूब रहा था भारतीय जनता पार्टी को। और आप देखिए, यहां एक गलती थी संघ को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दरकिनार करना। भाजपा ने महसूस किया, मदद मांगी और चार महीने में 16,000 सभाएं सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से। और देखिए पूरा गेम ही बदल गया, कांग्रेस हवाबाजी करती रही। मोदी जी समझ गए कि भैया ये गड़बड़ी है, हम नहीं करेंगे। आम आदमी सहजता, सिंप्लिसिटी, सादगी ये पसंद करती है। तुरंत करेक्ट किया इन्होंने और उसके बाद जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको उठाया, वोकल फॉर लोकल। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी का नारा है दोस्तों कि भाई स्थानीय मुद्दे चलेंगे, स्थानीय चुनाव है। काम किया, नतीजा आपके सामने है। आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार बहुत कम रैलियां की, सिर्फ 4 रैलियां, और यह भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। ओवर एक्सपोज होना भी खतरनाक होता, आप जानते हैं ना। यहां तो राहुल गांधी पूरा हवाबाजी कर रहे थे, पूरा जनसभाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां ने 12 विधानसभा सीटों पर जनसभाएं की और इतना बड़ा मजमा जुटाया, कभी इसको बुलाना कभी उसको बुलाना, दोनों को हाथ मिलाना, शैलजा ये वो, सिर्फ टीवी मीडिया। वो बोलते जरूर हैं कि मीडिया वाले हमको कवर नहीं करते, मीडिया वाले उन्हीं को दिखा रहे थे। क्या हुआ, राहुल गांधी ने 12 विधानसभा सीटों पर सभाई की 5 ही में जीत मिली, सिर्फ 5 में। तो ये तो राहुल गांधी का हाल है दोस्तों कि जहां वो उन्होंने रैली की उसमें अधिकांश हार गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम सीटों पर रैली की दोस्तों, बहुत कम सीटों पर। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जिस जाट लैंड के बारे में कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से ये चढ़े हुए लोग हैं, उसी पर प्रधानमंत्री मोदी गए। याद रखिए जाट लैंड पर फोकस किया उन्होंने। और मैं आपको अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो हरियाणा में सिर्फ 4 सीटों पर जा करके उन्होंने रैली की। ये 4 सीटें कौन सी है, लाडवा विधानसभा सीट, हिसार विधानसभा सीट, पलवल, सोनीपत। और इसमें लाडवा पर तो खुद मुख्यमंत्री को खड़ा किया नायब सिंह सैनी, सबसे टफेस्ट सीट, पुराने सारे रिकॉर्ड देखिए। ये सीट भाजपा के लिए कभी सेफ नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और आप हैरान हो जाएंगे, लाडवा पलवल सोनीपत भाजपा ने परचम लहराया, सिर्फ एक सीट में बीजेपी को हार मिली, हिसार। और हिसार से भी जीती है कौन, नवीन जिंदल की माता जी, भाजपा सांसद की मां है सावित्री जिंदल। तो ये तो मोदी जी का एक तरीका है दोस्तों, गलतियों को सुधारना, कई बार ओवर एक्सपोज्ड हो जाना भी बड़ा भयंकर होता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको तुरंत करेक्ट किया दोस्तों, ज्यादा नहीं गए, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोगों को वहीं के नेताओं को उतारा, ऊपर से सिर्फ मैनेजमेंट देखते रहे, अपने नेताओं को लगाया। और एक बात और कहूंगा, भाजपा में बड़ा ये शिकायत और बहुत ज्यादा भ्रम किया गया, नैरेटिव फैलाया गया कि भाजपा जाटों का अपमान कर रही है, दलितों का अपमान कर रही है, आरक्षण, बहुत सारे मुद्दे। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि भाजपा ने किसी को अछूत नहीं बनाया, भाजपा ने कोई जातिवाद की राजनीति नहीं की, सबको तवज्जो दिया।
भाजपा ने जाट दलित दोनों ही समाज को ओबीसी के करीब बराबर बराबर वोट दिया, आप समय टिकट दिया। ऐसा नहीं कि एक ही जाति को भर दिया, नहीं किया ऐसा, एक व्यक्ति को ही सारा सौंप दिया, ये भी नहीं किया दोस्तों, आप याद रखिए। आरक्षण के मुद्दे पर कितना मोदी जी को घेरा गया, लाल किताब घुमा घुमा करके राहुल गांधी ने कितना भ्रमित किया। इस बार तो मोदी जी हरियाणा में पहुंचे और साफ कहा कि मेरे जीते जी कोई आरक्षण छीन नहीं सकता। ये कहा कि जब तक मोदी यहां है मैं आरक्षण का एक कण भी छीनने नहीं दूंगा, साफ कहा उन्होंने। आप समझ रहे हैं? आप सिर्फ देखिए कि मोदी कैसे खुद को करेक्ट करते चले जाते हैं। और जो हरियाणा खत्म हो गया था वो लगभग एक समय पर आकर बहुत ही साइलेंटली उसको पकड़ते चले गए। आरक्षण की अगर बात कहूं तो ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बकायदा राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 20% कोटा आरक्षित किया जाएगा। आयोग ने सिफारिश की है कि इस कोटे का 10% वंचित अनुसूचित जातियों को आवंटित किया जाए। सारी गलतियां एक्सेप्ट की, कांग्रेस की तरह नहीं कि उसका थेथरोलॉजी, एक शब्द आजकल लोग बोलते हैं, माने कुतर्क करना, कुतर्क नहीं करती है, स्वीकार करती है, ठीक है मेरी गलती है मैं मानता हूं। और उसी का नतीजा देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबको साध लिया, नॉन जाटों को तो साधा ही, जो ये सारे लोग नैरेटिव फैला रहे हैं, अरे जाटों के गढ़ में भी 7 नई सीटें जीत ली और कांग्रेस 50% मौजूदा सीटें हार गई, जो सिटिंग विधायक थे वो हार गए दोस्तों। और मैं तो जाट बहुल क्षेत्र के बारे में जरूर बताना चाहता हूं कि 25 सीटें हैं, 13 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। आप देखिए 10 कांग्रेस और 2 निर्दलीय, आप समझ गए ये इतना बड़ा फर्क है दोस्तों, इतना बड़ा फर्क है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों एक और मुद्दा, अग्निवीर, हम भी जानते हैं, कांग्रेसी तो और जानते हैं कि अग्निवीर सबसे ज्यादा सेना में भर्ती होने वाले नौजवान तो हरियाणा से भी हैं और जाट खास करके। और अग्निवीर को लेकर तो कैसे भ्रम फैलाया गया, भ्रमित किया गया, ये तो आप जानते हैं दोस्तों। मोदी सरकार को पता था अग्निवीर को लेकर के मुद्दा गरमाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने लगातार, मोदी सरकार ने लगातार युवाओं की नाराजगी को देखी, अग्निवीर को 10% आरक्षण दिया और यह सुनिश्चित किया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। हरियाणा के लोग समझ रहे थे कि ये बोल रहे हैं हम ये कर देंगे लेकिन वो झूठ है, ये बोल रहे हैं हम इस तरीके से करेंगे लेकिन ये सच है। विश्वास, अग्निवीरों को कई प्रकार के लाभ देने की घोषणा की गई और ये राज्य सरकार कर सकती है, हर राज्य को अपना अधिकार है। उन्होंने कहा नायब सिंह सैनी ने कि जो युवा भारतीय सेना में अग्निवीर रह चुके हैं उन्हें हरियाणा में सरकारी नौकरी में 10% तक आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार की ग्रुप सी भर्ती में 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और उन्होंने साफ कहा दोस्तों कि हरियाणा की अग्निवीर खाली नहीं बैठेंगे, एक तो 5 साल की इतनी हार्ड ट्रेनिंग, केंद्र सरकार लाखों रुपए देगी, 25 लाख रुपए तक, और उसके बाद हरियाणा में इतनी बड़ी शक्ति मिलेगी। तो ना जवान का मुद्दा भुना पाई, ना किसान का, ना पहलवान का, हर मुद्दे पर केंद्र सरकार सही नियत से काम कर रही है तो सबको पता है, लेकिन अगर किसी में कमी भी रह गई तो मोदी जी ने तुरंत आगे बढ़कर सिर झुकाया और बोला ठीक है भैया हम करते हैं, जो हम कर सकते करेंगे। अब जो किसी के वश में ही नहीं है वो तो हो ही नहीं सकता,
अब जैसे किसान बोल रहे नहीं भैया सब एमएसपी में कर दो, कानूनी गारंटी दे दो। अरे भाई दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। अरे देश में तो उतना पैसा ही नहीं है जितना तुम मांग रहे हो, तो क्या बाकी सारे भिखारी हो जाएंगे क्या? भाई आप अन्नदाता हो तो कोई जूता दाता है, कोई किताब दाता है, कोई कपड़ा दाता है, हर कोई दाता ही है। हां आपकी बात सुनी जाएगी, जो जायज मांग होगी वो पूरी की जाएगी। हरियाणा के लोग इस बात को समझ गए हैं, वो नैरेटिव में नहीं फंसे और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनका जो भाव है अद्भुत है दोस्तों, मैं तो सैल्यूट करता हूं। और यही चीज अब महाराष्ट्र के लोग देख रहे होंगे, यही बात झारखंड के लोग देख रहे होंगे और यही बात दिल्ली के लोग भी महसूस कर रहे होंगे। और मैंने दोस्तों इसीलिए कहा कि मतलब इधर के इकोसिस्टम तो छोड़िए, जो दूसरा वाला है ना वो भी नहीं बता पाया कि मोदी ने किस प्रकार से अपनी गलती मानी। अगर यही चीज राहुल गांधी सीख लेना या कांग्रेस सीख ले तो आने वाले समय में तो कमाल हो जाएगा। अरे भाजपा की कमियों से भी फायदा नहीं उठा पाए, भाजपा ने तो खट से अपनी कमियों को दूर कर लिया। यही मोदी जी की शक्ति है दोस्तों। और इसीलिए आप देखिए जब से भारतीय राजनीति में मोदी जी का आगमन हुआ है, गुजरात में कभी भाजपा हारी नहीं हुई, मध्य प्रदेश में कमाल हो गया, छत्तीसगढ़ में कमाल हो गया, त्रिपुरा, और यही कमाल आपको अब हरियाणा में दिख रहा है। यही मोदी मंत्र है। मैंने तो पुस्तक लिखी है दोस्तों, मोदी मंत्र, मोदी नीति, मोदी सूत्र, तीन किताबें, मेरा गहन रिसर्च है। और मैं जानता हूं मोदी की सबसे बड़ी ताकत, बाकी चीजें हो सकती है लेकिन मोदी की सबसे बड़ी ताकत तो ये है कि वो अपनी गलतियों से तुरंत सीख लेते हैं, तुरंत करेक्ट कर लेते हैं, जो बाकी नहीं कर पाते, वो महसूस ही नहीं कर पाते, शर्म से बोल नहीं पाते, मोदी जी कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट कीजिए, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई मोदी ने गलती मानी, और कोई बात ऐसी रह गई हो तो मैं चाहता हूं आप कमेंट कीजिए। और हां दोस्तों मैंने नवरात्रि पर एक गीत जो बनाया है वो आपको लगातार दिखाता हूं, और ये गीत जरूर देखिए दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो। अब तो नवरात्रि का एकदम चरम है तो मैं चाहता हूँ कि आपका प्रेम लगातार मिलता रहे। इस पर भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ अगर आप सहयोग भी करना चाहते हैं तो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप जुड़िए, अपना प्रेम दीजिए दोस्तों। मैं यूं ही नए नए नैरेटिव आपके सामने पिरोता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।